हेलो एवरीवन, मैं विकास मेला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम एकेडमी 2.0 पे। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे जामिया मिलल इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है 2023 एंड 24 का, इसका जो एकेडमिक सेशन है उसके एडमिशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज का ये सेशन है। इस वीडियो का आप एंडिंग तक जरूर देखिएगा। जामिया मिल इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिशन फॉर्म का प्रोसेस है, इसका सिलेबस है, इसकी कितनी सीट्स आपके कोर्स में, ये सारी हम डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में स्पेशली हम मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी मैथमेटिक्स के दो टाइप के कोर्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे कितनी सीट है, कितने फी है, कैसा इसका सिलेबस है और क्या इसका पेपर का पैटर्न रहेगा, वो सारा इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंडिंग तक जरूर देखिए इस वीडियो को, ठीक है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और आप सभी के लिए, अगर आप सीयूटी पीजी 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, यानी जो 2023 का सीयूटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके पास जेएनयू रहेगा, बीएचयू रहेगा, डीयू रहेगा, एसयू रहेगा, अदर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जितने भी 2009 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, वो सारी शामिल रहेंगी सीयूटी पीजी 2023 में। तो इसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और इसके कोर्स का अगर आप वेट कर रहे हो, तो हमारा कोर्स आ चुका है ऑलरेडी इसके लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स में आपके पास क्या रहेगा कि आपके पास वीडियो क्लासेस रहेगी, यानी जो रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, इसमें टेस्ट सीरीज रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे, साथ में पीवाईक्यू जो सॉल्यूशन है उसका डिटेल डिस्कशन रहेगा। और मेंटरशिप का मतलब आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, जैसे फिर आपका कैसे एग्जाम को हैंडल करना, सारी आपको यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगी पूरा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, इस पे मुझे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। इस कोर्स का जो फी है वो आपका फी है 551, यानी 550 रुपए, 551 रुपए आपका इसका फी है, जिसमें आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ है, टॉपिक वाइज है, वो सारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। कई बच्चे इनके लिए भी इंक्वायरी करते हैं, तो ये भी आपके पास रहेंगे। ये जो भी इस कोर्स को परचेज कराएगा उनको ये साथ में मिलेंगे, यानी इस कोर्स के साथ में ये एडिशन में है, आपके पास अलग से इनका कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो ये तो था आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आप सीयूटी पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अब वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे इसका जो जो प्रोस्पेक्टर है, मेन प्रोस्पेक्टर है, वो हमारा इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में ओनली मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट की मैं बात नहीं करूंगा। तो अगर आपको इसका पूरा प्रोस्पेक्टर चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है academy@academyatm, जाके आप सर्च करना, या फिर इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इसको, ठीक है। इसका टोटल जो प्रोस्पेक्टर है 121 पेज का, जिसमें पूरी डिटेल गिवन है ऑलरेडी पूरी, ठीक है। तो मैं वही डिटेल यहाँ पे मैंने चूज की है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने उठाया यहाँ पे। तो देखो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसके कुछ रैंक भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि आपका इसका जो फॉर्म फिलअप है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, यानी इसका प्रोस्पेक्टर आया 1 मार्च को, सॉरी 3 मार्च से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल है। तो 1 महीना आपको दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। 1 मार्च को इसका प्रोस्पेक्टर आया था, 3 मार्च से इसे स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब स्टार्ट हुए 2 दिन हो चुके हैं इसके, और 3 अप्रैल इसका लास्ट डेट रहेगा एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम अगर आप होती है, मान लो बाय मिस्टेक आप कुछ कर देते हो, गलत लिख देते हो, उसको अगर आप सुधारने का देख रहे हो कि मेरे को जो भी मेरी मिस्टेक है वो मुझे सुधारनी है, तो उसके लिए जो विंडो ओपन होगी वो 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में होगी। तो कोशिश करना कि आप कोई भी मिस्टेक ना करो, आप खुद भरो या कहीं ई मित्र पे जाके अगर भरवा रहे हो तो आप कहीं देख लेना एक बार, जो भी आप फॉर्म फिलअप करो उसमें पूरी डिटेल अच्छे से देख लेना, अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो फिर आपका ओपन हो जाएगा 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में, ठीक है। एडमिट कार्ड जो इसके इश्यू होंगे वो 10 अप्रैल से आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन उसके 5-6 दिन पहले आराम से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल से। अब ध्यान रखना 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डेट है, यानी 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। मैथमेटिक्स का किस डेट को होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो लास्ट वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी जो बीएससी फाइनल ईयर चल रही है, अगर आपका कंप्लीट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीएससी फाइनल चल रही है तो 30 सितंबर से पहले पहले वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसका पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 30 सितंबर से पहले पहले
सबमिट आपको करना होगा, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है इसकी। एग्जाम फॉर्म फिलअप 3 मार्च से स्टार्ट है, 4 अप्रैल लास्ट डेट है, सॉरी 3 अप्रैल लास्ट डेट है, 4 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में आपके जो फॉर्म में मिस्टेक्स होगी उसको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। 10 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, 15 अप्रैल से इसके एंट्रेंस एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास थोड़ा सा इसकी रैंक देख ले यूनिवर्सिटी की। तो देखो यहाँ से अगर NIRF रैंक देख रहे हो तो ऑल जो इंडिया यूनिवर्सिटीज रैंक है वो थर्ड रैंक है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी भी इसकी रैंक यहाँ पे गिवन है, तो ये भी आप देख सकते हो। पूरा प्रोस्पेक्ट में पूरी डिटेल इसकी गिवन है, जो इसका बड़ा प्रोस्पेक्ट है उसमें मैंने तो जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है वही भी प्रोस्पेक्टर में से पिक किया है। अब देखो मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, यहाँ पे ये इसके सेंटर्स हैं। तो यहाँ आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, दिल्ली, पटना, कोलकाता, श्रीनगर एंड गुवाहाटी, ये ध्यान रखना, यही सेंटर है। बहुत ज्यादा इसके सेंटर्स नहीं है, तो ये ओनली सेंटर है जिन पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें आपके पास दो कोर्स ही ऑफर करते हैं, एक कोर्स आपका M27 और एक कोर्स आपका M33, दो कोर्स है। पहला जो M27 है उसमें आपके पास MSc मैथमेटिक्स विथ कंप्यूटर साइंस में होगी, जिसके 4 सेमेस्टर आपके पास होंगे और टोटल जो सीट है वो 45 सीट है, और पर ईयर का जो आपका फी है यानी एक साल का जो फी है वो 7800 रुपए यानी 7800 रुपए आपको एक साल के देने होंगे अगर आप MSc कर रहे हो इन मैथमेटिक्स विथ कंप्यूटर साइंस में। सेकेंड जो ये कोर्स ऑफर करते हैं वो करते हैं M33, जिसको MA या MSc इन मैथमेटिक्स बोला जाता है। ये सेल्फ फाइनेंस है। अब सेल्फ फाइनेंस का मीनिंग क्या है कि सेल्फ फाइनेंस में आपकी फी थोड़ी ज्यादा रहेगी, ठीक है, और ये 2 ईयर का प्रोग्राम है। अब ध्यान रखा, यहाँ सेमेस्टर सिस्टम होगा और इस वाले में ईयर सिस्टम होगा, तो साल में एक बार ही पेपर होंगे आपके। टोटल सीट आपकी 50 होगी और इसका एक साल का जो फी रहेगा वो भी भाई ज्यादा है, ध्यान रखना, उसके कंपेरिजन में उसका है 23,290 रुपए आपके लगेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसका फी थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 46,000, ठीक है, 46,000 में आपके पास MSc होगी, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लगभग आपके 16,000 में आपकी MSc हो जाएगी, तो उसके कंपेरिजन में इसका फी ज्यादा है। लेकिन इसका थोड़ा सा एक बेनिफिट और बता दूं मैं आपका, इसकी जो क्लासेस होती है वो इवनिंग टाइम में होती है, तो जो डे का आपका टाइम होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। इवनिंग लगभग 5 बजे के बाद आपके इसका क्लासेस होगी इसी के कैंपस में, तो ये इवनिंग सेशन रहेगा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाएगा कि पूरे दिन आप फ्री रहोगे, दिल्ली में बहुत सारी कोचिंग्स हैं जहां से आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिट रहेगा। शाम के समय जाके तुम आराम से MSc की क्लासेस लगा सकते हो, तो ये हो सकता है कि आप MSc के साथ साथ में आप नेट GRF या गेट है वो निकाल सकते हो आराम से, थोड़ा सा बेनिफिट है। और एक साल में एक ही बार पेपर होते हैं, यानी सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में 6 महीने बाद पेपर हो जाते हैं, तो वो सिस्टम नहीं है, साल में एक बार पेपर होंगे। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ के दिसंबर तक आराम से पढ़ लो, उसके बाद आप MSc के लिए पढ़ लो, तब तक आप नेट GRF के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है इसका। तो ये सेल्फ फाइनेंस वाले फीस ज्यादा, तो इसका लॉस नहीं आपको ज्यादा, अगर आप थोड़ा बहुत देख सकते हो एडजस्ट कर सकते हो तो इसको जरूर आप ज्वाइन कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़े, ठीक है। बाकी भी कोर्सेज है इसके जो आपके जो फुल प्रोस्पेक्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। ये आपकी एप्लीकेशन फी है, तो ये जो डिपार्टमेंट्स गिवन है इनके लिए एप्लीकेशन है 7,000 रुपए, बाकी अदर जो फैकल्टी या जो आपके पास है बीटेक या BR उनके लिए 550 रुपए एप्लीकेशन फी है। अब ध्यान रखना, जो आप मैथ में दो प्रोग्राम आपको ज्वाइन करने, तो उनका एक एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होगा, एक नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा आपके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा क्या, मतलब टेस्ट होना कब है, उसका टाइमिंग क्या है। तो आपका जो कोड था M27 यानी MSc इन मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है वो 18 अप्रैल को होना है, और टाइमिंग यहाँ पे गिवन है 11 से लेके 12:30 तक, यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 मिनट आपको पेपर में मिलेंगे। अब कितने क्वेश्चन होंगे वो इसके सिलेबस में हम डिस्कस कर लेंगे। इसका जो रिजल्ट है वो विद इन 20 to 25 डेज में आ जाएगा, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसे। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स या BSc ऑनर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स विद 50% मार्क्स इन बोथ एग्रीगेट,
इन मैथमेटिक्स। तो ये ध्यान रखना, चाहे आपका एमएससी इन बीएससी इन मैथमेटिक्स है या बीएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उसमें भी आपको 50% चाहिए। और अगर आप जो मैथ का सब्जेक्ट आपका, उसमें भी आपको 50% चाहिए। तो अगर मान लो बीए ऑनर से हो, तो आपके पास मैथ के अलावा एक टॉपिक और होगा, यानी फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, जो भी रहेगा वो उन दोनों का, मैथ और दोनों का मिला के 50% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी बीएससी का एग्रीगेट 50% होना चाहिए, प्लस मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, उसमें भी 50% होने चाहिए। उसमें अगर आपके कम है तो आप इलिजिबल नहीं है। अगर आपका नॉर्मल यानी पास कोर्स है बीएससी का, उसमें आपके पास 50% होने चाहिए, साथ में उसमें जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें भी आपके 50% होने चाहिए। जो पास कोर्स है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होते हैं, तो तीनों को मिला के 50% प्लस मैथ में भी 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। ये आपका M27 जो कोड था, जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। अगर मैं बात करूं यहां से M33, जिसमें आपके पास MA या MSc इन मैथमेटिक्स है, सेल्फ फाइनेंस इवनिंग, देखो यहां पे लिखा है इवनिंग शिफ्ट में होगा। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है वो आपका कब होना है, 17 अप्रैल को होना है, ठीक है। और आपके पास जो मैथमेटिक्स का कोर्स है उसका आपके पास होना है, वो कब होना है आपका, यहां से देख सकते हो 18 अप्रैल को। तो ये एक दिन बाद में होगा, और ये जो इवनिंग शिफ्ट वाला है वो एक दिन पहले होगा, ये जरूर ध्यान रखना। दोनों का अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग डेट्स भी है। इसका जो टाइमिंग है वो 2:30 PM से 4 PM, यानी यहां भी वही 90 मिनट आपको मिलेंगे। इसका भी रिजल्ट सेम 20 से 25 दिन के बीच में आ जाएगा, जो भी एंट्रेंस एग्जाम का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी सिमिलर उस जैसा ही है, बस वही है कि आपके पास BA इन ऑनर्स मैथमेटिक्स हो सकता है या BSc इन मैथमेटिक्स हो सकता है, जिसमें आपके पास 50% एग्रीगेट चाहिए, साथ में मैथ में भी आपके पास 50% चाहिए। सेम ये भी अगर पास कोर्स है तो उसमें भी आपके पास हो सकता है। उसमें ये ध्यान रखना, उसमें ओनली BSc का बोला है, BSc ऑनर्स हो चाहे BSc पास कोर्स हो, ठीक है, मैथमेटिक्स में, या BA भी बोल रखा है, यानी BA इन मैथमेटिक्स भी अगर आपका है तो भी आप ये दे सकते हो। कौन से वाला, जो इवनिंग वाला शिफ्ट है, यानी MA MSc इन मैथमेटिक्स वाला, ये दे सकते हो। उस वाले में ओनली BSc आपको चाहिए था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो था इसका डिटेल कि आपका कब पेपर होना है, क्या इसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब आप फॉर्म फिलअप करोगे, वो सारा डिटेल था। अब अगर इसके मैं थोड़ा सिलेबस की बात कर लूं, इसका सिलेबस क्या है, इसका देखो कंप्लीट सिलेबस इस टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, यहां भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां मैंने जो सिलेबस उठाया है वो M27 का उठाया, M33 का भी सिलेबस सेम ही है, सेम सिलेबस है, पेपर दोनों का सेम होना है, ठीक है। क्वेश्चन ये ध्यान रखना अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे, सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। अब देखो पेपर का पैटर्न कैसा है आपके पास, पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट आपको मिलेगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, पासिंग मार्क्स जिसने लिख रखे 50%, यानी आपको पास होना तो 50% तो 15% तो लाने पड़ेंगे। नेगेटिव मार्किंग है वो आपके पास -0.25 यानी 1/4 रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ परमिशंस के लिए बोला है यहाँ पे, आपके क्या क्या लेके जा सकते हो, ये गिवन है, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, कैलकुलेटर, पेंसिल, ये भी आप लेके जा सकते हो, क्योंकि इसमें NA का भी सिलेबस है, थोड़ा ध्यान रखना। तो कैलकुलेटर भी आप लेके जा सकते हो, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है ना वो वाला आपको अलाउ होगा। ये आपका सिलेबस है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्री ऑफ 2 और 3 डायमेंशनल है, यानी 2D 3D आपके पास, ये सिलेबस आपका। इसके बाद फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें आपके पास ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग थ्योरी हो गया, ये वाला। इसके बाद बात करें तो रियल एनालिसिस है, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, रियल सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीरीज है, रीमान इंटीग्रेशन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है, फिर लीनियर अलजेब्रा है, जिसके अंदर आपके पास लीनियर सिस्टम एंड गॉसियन एलिमिनेशन है, वेक्टर स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑर्थोगोनलिटी इन वेक्टर स्पेस है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स है, कैनिकल फॉर्म्स है, मैकेनिक्स भी गिवन है, मैकेनिक्स का कई यूनिवर्सिटीज में बीएससी के अंदर पेपर होता है मैकेनिक्स वाला, तो वो भी यहाँ पे गिवन है। मैट्रिक्स स्पेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बात कर रहा, पहले भी डिफरेंशियल इक्वेशन आया था उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा था, यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें मैथमेटिकल स्टैटिक्स रहेगा, ऑपरेशन रिसर्च रहेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग है, थ्योरी ऑफ गैम्स है, इसके अलावा प्रोग्राम इन सी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी आपके टॉपिक होते हैं।
तो वो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये था इसका सिलेबस, थोड़ा सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, ये जरूर ध्यान रखना, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं आता, ये जरूर ध्यान रखना कि 90 मिनट मिल रहे आपको, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ क्वेश्चंस भी, ये यहाँ नहीं गिवन है कि कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा। तो क्वेश्चंस का बहुत हाई लेवल नहीं रहेगा, नॉर्मल लेवल रहेगा, जैसे सीयूटी का पेपर लेवल रहता है वैसा ही। इसके पेपर भी मैं कुछ अपलोड कर दूंगा, जो हमारा एप है एटीएम अकेडमी का, वो आप इंस्टॉल कर लेना, वहां इसके कुछ पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल थी आपके पास, आपका जामिया मिलल इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आया था एंट्रेंस एग्जाम का। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो इनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और एक बार ये जरूर देख लेना, अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे जो इसका कंटेंट है वो सिमिलर है जामिया में, तो वो भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ईच एंड एवरीवन।